तो देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है हमारे शो कौन बनेगा करोड़पति में। मैं आपका अपना अमिताभ बच्चन और ये हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं सलमान भाई। सलमान भाई, भाई जान, ये। तो बेटा लोगों को अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सलमान है। बेटा पहले मुंह से गुटका थूक के फिर बताइए, पब्लिक का समझ नहीं आ रहा। ओके सर, ओके। सर मेरा नाम सलमान खान है। अरे दादा चोट मार दी दिल पे। तो बेटा इस हिसाब से तो कुंवारे हो गए आप। नहीं सर, नहीं कुंवारा नहीं हूँ, शादी शुदा हूँ मैं। अच्छा बीवी का क्या नाम है बेटा? ऐश्वर्या राय। अरे दादा कौन ये आए सब भोसड़ी के, को 2 लीटर खून जला दिया इनने। सर फालतू के बक्चे हो गए तो सवाल पूछो। ये पर्सनल मैटर अपना घर बाहर सोल्व करना, सवाल पूछो चलो। समझ आएंगे। तो बेटा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल है पूरा 17 करोड़ रुपए के लिए। 17 करोड़? बेटे तुम्हें ना पता मुकेश अंबानी का चैनल है टोनी। मुझे सोने नहीं देती। लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। इसमें उस भोसड़ी को सवेरे होने का पता क्यों नहीं चल लिया बताइए। आपके ऑप्शन है कि वो गद्दे पे सो रहा है बेटे, और दूसरा ऑप्शन ये है उसकी बंदी उसे पप्पी दे के सुलावे, और बेटे तीसरा ऑप्शन ये है उसके पास कोई काम धंधा ही ना, और लास्ट ऑप्शन बेटे ये है सवाल पूछने वाला ही चूतिया। वैसे तो पूछने वाले ही चूतिया है, पर मुझे इस बुड्ढे से 17 करोड़ रुपए भी तो लेने। क्या कहा है आपने? सर कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था इसका ऑप्शन वो है कि गद्दे पे ही सोता है वो बंदा। आप जीत चुके हैं पूरा 17 करोड़ रुपए, जिसमे से 16,99,83,000 आपकी बकचोदी के कट चुके हैं और 17,000 आपको मिलेंगे। वो क्यों, बाकी 16,99,83,000 का क्या करोगे? बेटे मेरी बात समझो, ये ऑफिस नहीं देखा आपने आलीशान, इसमें खर्चा ना होता है क्या? सर मेरे कद्दू का ऑफिस है, साला कबाड़ खाना है पूरा। ये बच्चे बन रहे हो आप बिल्कुल ही, तो आपको पूरे 17 मिलेंगे। तो बेटा ये रहा आपका आज का तोहफा, पूरा इनाम 17,000 रुपए की। बस ये तो पानी की बोतल है अभी 10 रुपए की, बाकी 16,990 रुपए का है मेरे। बाकी के 16,990 रुपए? बेटे मेरा भी तो जेब खर्चा है भोसड़ी के, अभी से एक ही मूवी ना चल ली, अब बाबू हमें भी देखना पड़ता है, इससे ही गुजारा कर लो। सर ये तो ये भी खा लिए 10 रुपए की। बेटे प्यास लग रही, हम ना पियेंगे कुछ? तू तुम्हारी गांड मार ले, ये रख ले चुपचाप, बकचोदी मत करे, और दूसरे सवाल पे आ जा चुपचाप। सर फालतू की बकचोदी में लग रहा हूँ, सवाल पूछो। तो बेटे आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल पूरा 15 करोड़ रुपए के लिए। सर ये तो बढ़ने की जगह घट रहे हैं। यही पॉलिसी है, फालतू की बकचोदी मत करे, सवाल पे ध्यान दे। क्यों ना करे, तुम क्या मेरे रिश्तेदार लग रहे हो? रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहनशाह। सहनशाह फिल्म के फलान, पूछ दूसरा सवाल। आपका ये सवाल है, तेरी तारीफों के पुल बांध दू, इसमें वो भोसड़ी का रफ्तार पुल बांधने को क्यों कह रहा है? बेटे आपका पहला ऑप्शन है कि उसके गांव में कोई पुल ही ना है, और बेटे आपका दूसरा ऑप्शन है कि उसकी बंदी को मिस्त्री पसंद है, और बेटे तीसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने बाप के बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, और बेटे लास्ट ऑप्शन ये है वो अपनी बंदी को होल में लेना चाह रही है, होल में। हाँ ये आपका सवाल है। तो बेटा जवाब से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, बेटा सलमान या तो अपना नाम बदल दो या अपनी बीवी को छोड़ दो, थोड़ा तकलीफ देता है। कैसी बातें कर रहे हो, सवाल पे ध्यान दो। अच्छा सॉरी। तो बेटा आप सवाल का जवाब दीजिए। सर मैं एग्जिट पोल लेना चाहूंगा। अच्छा एग्जिट पोल लेने चाहेंगे, हाँ तो ले लीजिए, पर बेटा लेने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, बेटा या सलमान या तो अपना नाम बदल दे या अपनी बीवी को छोड़ दे, बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है। सर फिर से? अच्छा सॉरी। तो बेटा एग्जिट पोल ले लीजिए आप अपने। सर उसके गांव में पुल नहीं है। सर मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी बंदी को मिस्त्री पसंद है। सर इसने तुम्हारा सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। सही कह रहे बेटे, बेटा सलमान में क्या पूछ रहा था, या तो अपना नाम बदल दो या अपनी बंदी को छोड़ दो, हो सके तो। बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा,
बंद कर इसे, भाग रहा हूं मैं। चोरी हो गए भाई, कौन बनेगा होगा, चोरी हो गए। आप देख सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, चोरी हो गई बहुत तगड़ी और अब मैं बच नहीं सकता। साली एक तो बड़ी मुश्किल में शादी हुई है और बुड्ढा कह रहा साला उसे और छोड़ दे। चलो लैपटॉप उठा के ले आऊं, इसे बेच के कुछ तो मिलेगा।